Hello guys, so welcome back to my channel. This is Piyush Patel and you're watching my channel P-Star Dreams. Thank you so much for watching this video. Well, uploading after a long time, but मैंने recently Q&A question का मैंने सोचा कि let's make a video because lot of people missed out last time and मुझे पता नहीं बहुत मज़ा आता है Q&A करने में, ऐसे बैठो मस्त गप्पे मारो. सो इसलिए lot of people are actually interested in knowing about my life and everything. So that's why मैंने सोचा let's create a Q&A video and lot of people have asked the questions. So without any wasting time, लेट्स स्टार्ट इन टू द वीडियो. थोड़ा सा बैकग्राउंड चेंज, ये ऐसे मैंने कुछ सेट नहीं किया हुआ है, जस्ट मेरा घर का बैकग्राउंड है. सो ऑल द मिडिल क्लास थिंग यू कैन सी ओवर हियर, बट या सो एंड ऑल्सो विजिबल डिफरेंस इन क्वालिटी. सो इफ यू कैन सी, तो मैं कैमरा से शूट कर रहा हूँ फॉर द फर्स्ट टाइम. आई गॉट माई फर्स्ट कैमरा सोनी ZV-E10. सो डाइविंग इन टू फर्स्ट यूट्यूब क्वेश्चन एंड देन हम लोग जाएंगे इंस्टाग्राम के क्वेश्चन पे. मैंने दोनों पे पूछा था. सो फर्स्ट ये हर क्वेरी में आता है क्वेश्चन, दैट व्हाट इज योर एज. सो डेफिनेटली आप अभी मैं बोलूंगा तो आपको यकीन नहीं होगा, बट येस आई एम 20 ईयर एंड 20 ईयर गाय. बट लिटरली मुझे नहीं लगता है मैं अभी 20 ईयर का हूँ, करके लॉट ऑफ पीपल थिंक दैट आई एम जस्ट यू नो 17-18 ईयर्स, बट इट्स नॉट ट्रू. मैं 20 ईयर का हूँ. ब्रो आई हैव अ क्वेश्चन रिलेटेड टू योर YT यूट्यूब YT यू वीडियो शूट. हाउ टू शूट लाइक यू, फुल डिटेल्स लाइक हाउ टू सेट ट्राइपॉड, कैमरा, लाइटिंग, माइक, ऑल थिंग्स प्लीज आंसर मी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक द बेसिक इज देर इज नो नीड ऑफ समथिंग कैमरा और समथिंग. जो मैंने अभी लिया ये पहली बार मैं अपने कैमरा से पूरे यूट्यूब पर, अगर आप स्टार्टिंग से अभी तक देखोगे तो ये पहला वीडियो जो मैं कैमरा पर शूट कर रहा हूँ. तो मैंने कोई कैमरा वैमरा नहीं लिया था. आई डोंट फील लाइक इट इज़ नेसेसरी टू परचेस अ कैमरा टू जस्ट स्टार्ट योर यूट्यूब चैनल. तो आप फ़ोन से भी कर सकते हो, विच इज़ द बेस्ट थिंग. ट्राईपॉड की बात की जाए तो आई ओन ट्राईपॉड. मेरे पास ट्राईपॉड्स बहुत पड़े हुए, तीन पड़े हुए अभी, तो तीन चार पड़े हुए, बट आई यूज़ दिस वन जो कि मैंने अभी अभी परचेस किया है रिंग लाइट के साथ. सो नहीं नहीं रिंग लाइट के साथ अलग ट्राईपॉड है, ये एक अलग ट्राईपॉड है, ऊपर ऑडियो ट्राईपॉड है. सो देर आर फोर ट्राईपॉड्स. सो ट्राईपॉड इज़ नॉट नेसेसरी अगेन, बिकॉज अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो तो आप जस्ट स्टैंड ले लो. जैसे कि ये अभी टेबल है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे कैमरा रख दो, फोन रख दो शूटिंग के लिए, एंड देन जस्ट स्टैंड ओवर हियर एंड रिकॉर्ड. इट्स नॉट नेसेसरी द ट्राईपॉड लेना ही चाहिए करके, बट ट्राईपॉड होता है तो क्या कन्वीनियंट हो जाता है थोड़ा सा. तो आप सस्ता सा ट्राईपॉड भी ले सकते हो, बिकॉज मैंने भी, मुझे तो फर्स्ट ट्राईपॉड गिफ्ट में मिला था, तो इसलिए. बाकी आप 300-400 का आता है, अगर आप बिगिनर हो तो आप ले सकते हो. एंड फॉर द माइक आई यूज बोया M1 माइक, विच इज़ द बेस्ट. इट आई गॉट दिस फॉर 800-900 समथिंग, बोया M1 माइक. सो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा. सो येस एंड रिंग लाइट इज़ नॉट नेसेसरी, बट अगर आप घर में शूट कर रहे हो और अगर लाइट इतनी नहीं है तो आप रिंग लाइट ले सकते हो. दिस इज द डिजिटेक का रिंग लाइट. ये मैंने कुछ 4000 रुपीज़ का लिया था, विच वॉज वेरी एक्सपेंसिव. सो इट्स ह्यूज रिंग लाइट. ओके इट्स लेट मी जस्ट शो यू. सो इट्स ह्यूज रिंग लाइट. ये नॉर्मल रिंग लाइट 700-800 वाला से बहुत बड़ा रिंग लाइट है. सो काफ़ी ज़्यादा इसके लाइट भी आती है एज़ कम्पेयर टू द स्मॉल लाइट. बट आप अगर वो लेना चाहते हो वो भी ले सकते हो, 700 में मिलता है, 700-800 में, एंड ट्राईपॉड विद दैट. सो येस. बाकी मैं सेट कैसे करता हूँ तो लेट मी जस्ट शो यू विद द कैमरा. ओके सो दिस इज द रिंग लाइट एज यू कैन सी ओवर हियर. यहाँ पे मैंने सेट किया, यहाँ पे मेरा ट्राईपॉड है, यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ से शूट हो रहा है कैमरा से. एंड येस एंड यहाँ पे माइक अटैच्ड है. सो लाइक हियर आप देख सकते हो यहाँ पे माइक है. सो येस दिस इज़ हाउ आई शूट. अभी तो मैंने बैकड्रॉप सेटअप नहीं किया हुआ, इसलिए इतना आपको नहीं लग रहा है, बट जब आप बैकड्रॉप सेटअप करते हो तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है शूट करना. आपको 1000 के अंदर सब कुछ मिल जाएगा. मैं लिटरली बताऊँ तो बोया माइक भी मैंने, सेकेंड माइक है मेरा, उसके पहले मैंने लिटरली 182 रुपीज़ का कुछ फ्लिपकार्ट से लिया था माइक, सस्ता वाला. गोइंग विद द नेक्स्ट क्वेश्चन देन, वॉट इज़ योर डीपेस्ट डार्केस्ट सीक्रेट? और क्या आप गाली देते हो? आपकी शक्ल तो डाउट, आपकी शक्ल तो बहुत मासूम वाली है. सो आई डोंट गिव बैड वर्ड्स. एक्चुअली मैं 7th स्टैंडर्ड में, जब मैं स्कूल लाइफ में था, तो स्पेशली इन 7th स्टैंडर्ड एंड 6th स्टैंडर्ड फ्रेंड्स लोगों के साथ रह रहे के मैंने बहुत कुछ सीख लिया था, वरना उसके पहले भी मैं इतने गाली नहीं देता था. 9th एंड 10th में मैंने छोड़ दिया था लाइक लिटरली गाली देना, बट थोड़ा तो देता ही था 10th स्टैंडर्ड, बट अभी मैं नहीं देता हूँ. आई डोंट गिव बैड वर्ड्स. सो आई फील लाइक इट डजेंट मेक यू कूल. लाइक बहुत लोगों को लगता है कि अरे गाली दे दिया, अरे भाई कूल है भाई बंदा. नो इट्स नॉट कूल. सो येस कभी कभी निकल जाती है. हाँ अगर आप कुछ ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पे यू आर वेरी फ्रस्ट्रेटेड एंड यू आर वेरी एंग्री ऑन समवन, सो इट्स ओके, वो निकल जाता है नेचुरली. बट अननेसेसरी का गाली देना एंड
इट्स नॉट लाइक इट इट विल नॉट मेक यू कूल. सो या सो आई फील लाइक गिविंग बैड वर्ड्स, मुझे लोग ना नहीं पसंद है जो गालियाँ देते हैं, अननेसेसरी की गालियाँ देते हैं. वैसे लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, सो आई स्टे अवे फ्रॉम देम. सो दैट्स वाई आई हेट इट, लाइक लिटरली हेट इट. सो या आई डोंट गिव बैड वर्ड्स एंड डीपेस्ट डार्केस्ट सीक्रेट. आई डोंट नो, मतलब है बट आई डोंट थिंक दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म टू शेयर दिस. सो आई एम डिचिंग दिस क्वेश्चन बिकॉज आई डोंट, आई एम नॉट दैट कम्फर्टेबल राइट नाउ टू शेयर the deepest darkest secret. And मुझे याद भी नहीं आ रहा इतना. भाई आपको 10th और 12th में कितने परसेंटेज आए थे? तो आई, सो इन 10th स्टैंडर्ड आई गॉट 73%, जो कि उस टाइम पे मैंने बहुत मेहनत की थी. लाइक लिटरली मैं 3-3 बजे तक रात को जगा हूँ. मैं सुबह से पढ़ता था, 3-3 बजे तक रात को मैं जगता था. तो दैट वॉज लाइक फुल मेहनत. 10th स्टैंडर्ड में मैंने एक ऐसा दिन नहीं छोड़ा होगा, मैंने बहुत मेहनत की थी. बट आई वॉज लिटिल बिट ओके, ऐसा नहीं बोलूँगा कि उदास था कि यार कम आ गए करके, बट मेरी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी 10th स्टैंडर्ड में. बिकॉज आई वॉज एक्सपेक्टिंग अराउंड 79-80 के अबाव मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, बट मुझे मिले सिर्फ 73. ऐसा नहीं था कि मैं बहुत दुखी था यार इतने कम मिले करके. आई वॉज हैप्पी बट आई वॉज नॉट दैट एक्साइटेड कि भाई 73 आ गए करके, ऐसा कुछ नहीं था. एंड ऑल्सो गाइस लेट मी जस्ट टेल यू कि हमारे पूरे फैमिली में आज तक किसी को भी 72% नहीं मिले थे 10th स्टैंडर्ड में. सो आई वॉज लाइक, मेरी फैमिली तो बहुत ज़्यादा खुश थी बिकॉज 72% 73% मिलना इज लाइक एनी थिंग. 12th की बात की जाए देन आई गॉट 66% ऑन इन 12th स्टैंडर्ड. तो 12th में बहुत खुश हुआ था मैं एज कम्पेयर टू 10th स्टैंडर्ड, बिकॉज मैंने 12th में एक्सपेक्ट नहीं किया था. बिकॉज 12th स्टैंडर्ड में जब मैं था तो मेरा एक्चुअली 10th में पास हुआ एंड लॉकडाउन लग गया था 2020 में. मैंने 10th पास किया था एंड 2020 के अप्रैल मंथ से ही लॉकडाउन लग गया था. आई रिमेंबर 11th स्टैंडर्ड तो पूरा ऑनलाइन ही गया था. 11th में तो एग्जाम भी नहीं हुई थी, प्रमोट कर दिया था. 12th स्टैंडर्ड में आई वॉज एक्सपेक्टिंग, एक्चुअली ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स वर एक्सपेक्टिंग कि एग्जाम 11th की ऑनलाइन ही हुई है तो 12th की भी ऑनलाइन ही होगी करके. आई वॉज नॉट दैट प्रिपेयर्ड. अब ऑफिशियली मतलब ऐसे गवर्नमेंट ने बोल दिया कि 12th स्टैंडर्ड की एग्जाम ऑफलाइन होने वाली है करके, बोर्ड एग्जाम्स. मैंने पूरा साल लिटरली कुछ नहीं पढ़ा था, लिटरली कुछ नहीं पढ़ा था. मुझे 11th का बेसिक नहीं आता है, मुझे 12th का बेसिक नहीं आता था, अकाउंट्स नहीं आता था, इकोनॉमिक्स का मुझे ई भी नहीं पता था. मैं कैसे पास हुआ मुझे पता है. एग्जाम के एक दिन पहले मैंने पूरा पेपर पढ़ा था, मतलब पूरा बुक पढ़ा था. तो दैट हाउ आई स्कोर्ड. मुझे नहीं पता मैंने कैसे स्कोर किया, बट कभी रिजल्ट जब आने वाला था तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार 50% ही मिलेगा, बिकॉज 50% इज वेरी लेस फॉर मी. आई वॉन्टेड 60 के अबाव ही मुझे चाहिए थे, बिकॉज आई एम ऑलवेज एन एवरेज स्टूडेंट और एक एवरेज स्टूडेंट अराउंड 60 के अबाव ही स्कोर करता है. तो उसके नीचे आ गया तो फिर आई एम लाइक ए डम. एंड मुझे कभी भी फेल का टैग नहीं चाहिए था, कभी भी ऐसे कम मार्क्स वाला टैग नहीं चाहिए था. तो थैंक गॉड आई स्कोर्ड 66%. दैट इज ऑल्सो आई एम वेरी हैप्पी. लाइक 10 से ज़्यादा मैं 66% में मैं हैप्पी हुआ था. तो दैट्स वाई ये सारी स्टोरी है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉट वॉज ऑल फ्रेंड्स रिएक्शन आफ्टर योर लुक्स मैक्सिंग. तो ऑनेस्टली बताओ तो देर आर नो सच फ्रेंड्स ऑफ माइंड. ओके, मतलब जो नेबरहुड्स है ना, एक तो मेरी कजिन बहन ही है, शी ऑल्सो गोज टू जॉब. सो हम लोग मिल नहीं पाते. लाइक लिटरली मुझे याद नहीं कि हम लोग लास्ट कब मिले थे. हम लोग बाजू में ही रहते हैं लेकिन हम लोग नहीं मिल पाते बिकॉज शी इज़ द 9-to-5 जॉब. मैं अपना कर रहा हूँ भाई. दो फीमेल्स ही है बिकॉज यहाँ पे वही दो हैं लड़कियाँ, बाकी तो सब यू नो लाइक बड़े बड़े लोग हैं. तो विच आई डोंट, ऑब्वियसली बात है हम लोग नहीं, ये लोग भी बड़े ही हैं मुझसे. यू कैन सी माई कॉल हिस्ट्री, मेरे फ्रेंड्स के नहीं देखेंगे आपको, सिर्फ मम्मी पापा मेरे भाई और ज़्यादा करके तो एजेंसी के कॉल आते हैं, ब्रांड्स के कॉल आते हैं, ज़्यादा करके डिलीवरीज के कॉल आते हैं, सर आपका पार्सल आया, आप आ रहे हो क्या? तो ज़्यादा करके ऐसे ही आते हैं फोन्स. फ्रेंड्स है, ऐसा नहीं है. ओके, फ्रेंड्स है, स्कूल के भी फ्रेंड्स हैं बट नॉट इन टच. ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि इन अ गाय फ्रेंड देर इज़ नो वन सच एज कि मैं जिससे रोज़ मिलूँ, या फिर आपका कोई फ्रेंड होगा तो आप बोलते होगे ना अरे क्या कर रहा है आज शाम को मिल जाए. ओके, ऐसा कोई है ही नहीं लाइफ में कि मैं कुछ बोलूँगा क्या कर रहा है मिल जाए आज शाम को करके. तो देर इज़ नो सच एज फ्रेंड एंड स्पेशली इन द गाय फ्रेंड. ओके, बॉय में ऐसा कोई भी फ्रेंड नहीं है. सो आई एम एक्चुअली वेरी वीक एट मेकिंग द फ्रेंड्स, आई मस्ट से दिस गाइस. तो अगर आप मुझे कभी मिलो तो ऐसा मत समझना कि मुझे में एटीट्यूड है. मैं लिटरली नहीं खोल पाता बहुत जल्दी, मुझे टाइम लगता है लाइक लिटरली समझने में. मैं पहले इंसान की वाइब्स मैच करता बिकॉज आई एम टोटली इंट्रोवर्ट गाय, पता ही लग गया होगा इंट्रोवर्ट बिकॉज द वे ऑफ माई स्पीकिंग एंड क्या बोलूँ मैं पता नहीं. बट टॉकिंग अबाउट द लुक्स मैक्सिंग देन आई थिंक लोग मुझे फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पे, जितने भी सारे फ्रेंड्स हैं स्कूल के भी ट्यूशंस के भी, वी फॉलो ईच अदर बट वी डोंट टॉक एनी मोर. सो क्वेश्चन ये है कि वॉट
आर देयर रिएक्शंस, तो बात ही नहीं होती तो फिर रिएक्शंस कैसे पता चलेंगे। बट कुछ ऐसे हैं फ्रेंड्स मुझे जो पता चला है कि मेरे पीछे बहुत सारी बातें होती है, मुझे किसी से पता चला है, एंड पीपल टॉक लॉट बिहाइंड मी, उड़ती उड़ती खबरें आई है। सो आई थिंक यही होता है जब आप कुछ अच्छा करते हो लाइफ में तो आपकी प्रोग्रेस लोग देख नहीं पाते हैं, तो दैट्स वाई दे स्पीक बिहाइंड यू, एंड यही बात है। बाकी तो आप भी समझदार हो, बोलने की जरूरत है नहीं। ओके तो ठीक है, बस यही है। तो देर इज नो सच एज रिएक्शन, इफ इट इज अ रिएक्शन देन आई डोंट नो वट काइंड ऑफ रिएक्शन दे आर दैट आर। ऑब्वियसली बात है रिएक्शन होंगे बट मुझे नहीं पता कि कैसे। हाँ कुछ फ्रेंड्स हैं जो मुझे अच्छे कॉमेंट्स कर लेते हैं, ब्रो यू आर वेरी नाइस, यू आर इम्प्रूविंग, कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जो कनेक्टेड है। सो यस, दिस वर ऑल यूट्यूब क्वेश्चंस, लेट्स डाइव इनटू द इंस्टाग्राम क्वेश्चंस। तो हाउ मच यू अर्न नाउडेज, तो ये बहुत लोगों को जानना होगा कि मैं कितना अर्न करता हूँ। तो बेसिकली एज अ कॉन्टेंट क्रिएटर देर इज नो सच एज फिक्स अमाउंट यू कैन अर्न इन दिस फील्ड, बिकॉज कभी आपकी रीच ज़्यादा होती है तो आपको ब्रांड ज़्यादा अप्रोच करती है। अब मेरी रीच कम हो चुकी है, ऑनेस्टली इस टाइम पीरियड में मेरी रीच कम हो चुकी है, और ज़्यादा से ज़्यादा कोलाब्रेशन ना इंस्टा पे ही मिलते हैं। जिस दिन आपकी रीच ज़्यादा होती है, व्यूज़ ज़्यादा मिलते हैं, तो उस टाइम पे ब्रांड्स आपको ज़्यादा कोलाब्रेशन के लिए अपॉर्चुनिटी देते हैं, इवन द एजेंसीज आपको, अभी आज ही मेरे पास एजेंसी का कॉल आया था। तो आई थिंक आपका वर्क के ऊपर डिपेंड होता है कि आप कितना अर्न करते हो। अगर आपका वर्क ज्यादा अच्छा है तो ब्रांड्स आपको ज्यादा अप्रोच करेगी, पेड कोलैबोरेशन के लिए देगी, तो लाइक ज्यादा भी मिलते हैं, जैसे कि मैंने बोला रीच पे है। कभी आपको लाइक लिटरली कुछ नहीं मिलता है, तो इट्स लाइक इट्स ऑन द रीच। सो मैं ऐसा बता ही नहीं सकता कि कितना मैं अर्न करता हूँ करके, बिकॉज कुछ है ही नहीं ना फिक्स। तो दैट्स व्हाई या लॉट ऑफ पीपल माइट बी इंटरेस्टेड इन दिस क्वेश्चन दैट हाउ टू गेट कोलैब्स अगर हमारे कम फॉलोअर्स हो तो। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ कोलैब्स, फर्स्ट इज बार्टर कोलैब, सेकंड इज पेड कोलैब। ओके सो बार्टर कोलैब में आपको सिर्फ उनके फ्री प्रोडक्ट्स मिलते हैं, आपको प्रमोशन वीडियो को वीडियो बना के प्रमोट करना होता है। पेड कोलैब्स में आपको प्रोडक्ट भी मिलते हैं फ्री में, वो लोग पैसे भी देते हैं आपके अकॉर्डिंग, आप जितना चार्ज करोगे, अगर वो लोग ओके हैं उस आपके बजट में। अगर आपके कम फॉलोअर्स हैं ना तो आपको कोई पेड नहीं देगा, आपको बाटर ही देगा सब कुछ। एंड नाउअडेज तो बिग बिग ब्रांड्स भी आपको बाटर ही देने के लिए, पता नहीं क्यों इतने पैसे आप कहाँ रख रहे हो भाई, कहाँ आपको खुद ब्रांड्स अप्रोच करेंगे, खुद आपको एजेंसीज अप्रोच करेंगे, जो मार्केट एजेंसीज होते हैं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसीज होते हैं, वो आपको अप्रोच करेंगे। अगर आपका काम अच्छा है एंड रीच अच्छी है, फॉलोअर्स ज़्यादा मैटर नहीं करते हैं ऑनेस्टली स्पीकिंग। अगर आपके 300-400 फॉलोअर्स भी है तो भी, अगर आपका काम अच्छा है, रीच अच्छी है, अच्छे व्यूज़ मिल रहे हैं, लॉट ऑफ इंटरेक्शंस मिल रहे हैं, ऑडियंस अच्छी है अगर आपकी, तो आपको ऑब्वियस सी बात है आपको मिल सकते हैं कोलाब्रेशन। कॉपी मत करो किसी को, अलग अच्छा सा कॉन्टेंट बनाओ ताकि ब्रांड्स को पसंद आए, एंड ब्रांड विल से ओ आई लाइक योर वर्क एंड आई वॉन्ट टू वर्क विथ यू, वी वॉन्ट टू कोलाबरेट विथ यू, एंड दिस इज सो ऐसे आते हैं सामने से। सेकेंड थिंग, अगर आपको ब्रांड्स अप्रोच नहीं कर पा रहे तो आप खुद अप्रोच कर सकते हो, जो कि आई डोंट प्रेफर डूइंग, मतलब अप्रोचिंग द ब्रांड, बिकॉज मैं खुद अप्रोच, मैंने सिर्फ एक ही बार अप्रोच किया था एक ब्रांड के साथ, दैट वॉज ऑफ ड्यूटी ब्रांड एंड बेसिक वर्ल्ड, दोनों भी ऑलमोस्ट सेम ही ब्रांड्स हैं कोलैबोरेशन एज वाइज। तो व्हाई, वो भी मैं रीज़न बताता हूँ, बिकॉज बहुत लोग यूट्यूब पे, एज यू ऑल नो, मैं ज़्यादा करके कोरियन टाइप ऑफ वीडियोज, कोरियन क्लोथ्स के ऊपर बनाता हूँ, बिकॉज आई लाइक दैट स्टाइल, फोकस है ना। तो वैसे टाइप की मैं वीडियोज़ बनाता तो लॉट ऑफ पीपल वर इंटरेस्टेड कि ऑफ ड्यूटी जब नया नया आया था बेसिक वर्ल्ड, तो वी वॉन्ट टू नो एग्जैक्टली अबाउट दिस ब्रांड। लॉट ऑफ पीपल यू ऑल वर आस्किंग फॉर इट, फॉर द ब्रांड्स कैसी है, अच्छी है कि नहीं, तो इसलिए मैंने सोचा कि लेट्स आस्क फॉर इट, बिकॉज बहुत सारे बहुत क्रिएटर्स होते हैं जो खुद सामने से ऐसे अप्रोच करते हैं, बड़े बड़े क्रिएटर्स भी खुद सामने से अप्रोच करते ब्रांड को कि वी वॉन्ट टू मेक अ कोलाब्रेशन विथ यू, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर बोथ ऑफ देम। तो मैंने सोचा कि मैं भी कर लेता एक बार ट्राई, क्या पता शायद एग्री हो जाए करके। बेसिक वर्ल्ड का तो रिप्लाई आया था कि फॉर नाउ आर वेकेंसी इज फुल, वी कैन कोलैबोरेट विथ यू नाउ, सो कुछ महीनों के बाद हम आपको रीच आउट करेंगे करके। तो मैंने बोला ठीक है भाई, अब ऑब्वियसली बात है अगर ब्रांड कोई ऐसा बोल रही तो फॉर श्योर दे आर नॉट एबल टू, दे डोंट वॉन्ट टू वर्क विथ यू। ब्रांड्स आपको ऐसा नहीं बोलेंगे कि सॉरी वी विल नॉट वर्क फॉर यू, ब्रांड आपको कोई ना कोई बहाना दे देगा कि नहीं भाई अभी वेकेंसी फुल है, हम आपके साथ काम नहीं कर सकते। तो अगर अच्छे अच्छा हुआ तो आपके साथ ब्रांड काम करेगी। सो दैट्स वाई एज आई सेड, प्रोफाइल शुड बी वेरी गुड, एस्थेटिक होना चाहिए, एंड दिखने में अच्छा होना चाहिए, रीच अच्छी होनी चाहिए, काम अच्छा होना चाहिए, वीडियो। अगर आपने देखा होगा तो कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स भी हैं जिसके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, जिसको अच्छी रीच भी मिलती है बट उसका कॉन्टेंट अच्छा नहीं है, सो उसको कोलाब्रेशन नहीं मिलता। आप देख सकते हो बहुत ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं। सो
इट्स लाइक योर कॉन्टेंट शुड बी ब्यूटिफुल, योर कॉन्टेंट शुड बी अमेजिंग. बहुत सारे मुझे ब्रांड्स से कॉल आते हैं कि वी लाइक योर कॉन्टेंट, ब्रांड को आपका कॉन्टेंट काफी अच्छा लगा है, तो वो आपका ऐसे रेफरेंस वीडियो बनाने बना उनके प्रोडक्ट से आप रेफरेंस वीडियो बना सकते हो एंड सॉर्ट ऑफ लाइक दैट. तो दिस इज वॉट यू शुड वर्क ऑन. ये वाला मेथड कम पसंद आता है बिकॉज खुद अप्रोच करना ब्रांड के पास, बिकॉज आई फील लाइक जब आप खुद सामने से जाते हो ना और अगर ब्रांड ने हाँ भी बोल दिया तो उनके साइड से एक लेवल बढ़ जाता है एज कम्पेयर टू हम थोड़े से नीचे हो जाते हैं बिकॉज हम अप्रोच कर रहे हैं, ब्रांड हमें अप्रोच नहीं कर रहे हैं, हम अप्रोच कर रहे हैं. तो ब्रांड को ये पक्का फॉर श्योर पता है कि भाई हमें इसकी नीड नहीं है, इस इन्फ्लुएंसर को हमारी नीड है करके. सो वो आपको बहुत नचाएगा, सो दैट्स वाई ब्रांड आपको थोड़ा सा नीचे देखेगा बिकॉज आपको ये इन्फ्लुएंसर को ब्रांड की ज़रूरत है ऐसा उसको लगेगा. सो दैट्स वाई खुद को नीचे मत गिराओ. सी आई एम नॉट मेकिंग की जो अप्रोच करते हैं वो बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं है, ये आपकी चॉइस है. बिजनेस, ओके, इट्स अ बिजनेस. ब्रांड को प्रमोशन की ज़रूरत है, इन्फ्लुएंसर्स को कोलैबोरेशन की ज़रूरत है, ओके. तो उसमें कुछ बुरी बात नहीं है, बट आई फील लाइक कि मुझे पसंद नहीं है ये वाला जो साइड है बिकॉज एनी आई डोंट नो आई फील लाइक वेरी स्मॉल बिकॉज कहीं ना कहीं एक मेरा ईगो आ जाता है उसके अंदर कि आपका वर्क ऐसा होना चाहिए कि ब्रांड खुद आपको सामने से अप्रोच करे, ना कि आप ब्रांड को अप्रोच करो. कि आप मेहनत करो, रीच लाओ, खुद ब्रांड आपके पास आ जाएगी. स्टार्टिंग में छोटी छोटी ब्रांड्स ही आएगी, बड़ी बड़ी ब्रांड्स नहीं आएगी. सो डोंट एक्सपेक्ट दैट कि आपको बड़ी बड़ी ब्रांड्स आ जाएगी. हु इज़ द मोस्ट सपोर्टिव पर्सन इन अ फ्रेंड्स? तो देर इज़ नो, जैसे कि मैंने बोला, नो सच फ्रेंड्स है, कोई फ्रेंड्स नहीं है. एंड फ्रेंड्स जो मैंने बताए थे वो है, लेकिन दे आर बिजी ऑन देयर ओन जॉब्स, दोनों भी जॉब्स करते हैं, तो ऐसा कुछ फ्रेंड्स है नहीं. तो सपोर्टिव इन द सेंस कोई भी नहीं, आज तक लिटरली कोई भी नहीं है सपोर्टिव में. तो आज जो भी मैं हूँ, यहाँ तक मैं आया हूँ, तो मैं खुद के दम पे आया हूँ, ऐसे मैं बोल सकता हूँ. आई हैव फॉट माई ओन बैटल्स. तो बेटर यही है कि आई थिंक फ्रेंड्स अगर आप झुंड झुंड में चलते हो ना, तो आपको नहीं समझ में आता कि आपको लाइफ में क्या करना है. तो मुझे ऐसा लगता है बिकॉज आप फुल मौज मस्ती में होते हो, एक बार जो लव अफेयर चलता रहता है आपका, सो सॉर्ट ऑफ लाइक दैट बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में होती है. तो उस टाइम पे आपको ये ध्यान में नहीं आता कि आपको करियर में क्या करना है. हाँ, अगर आपके फ्रेंड्स सारे करियर ओरिएंटेड है तो अच्छी बात है, आप डिस्कस कर सकते हो. जैसे कि हम लोग हैं, हम लोग लिटरली रात को बैठ बैठ के डिस्कस करते थे कि क्या करना है फ्यूचर में, सॉर्ट ऑफ लाइक दैट. तो या यही बात है कि फ्रेंड्स ऐसे चूज करो जिससे करियर में कुछ हो पाए. जब आप अकेले होते हो तो बहुत ऐसा लगता है कि लाइफ में बहुत सुना सुना है, बहुत खाली खाली लग रहा है, मुझे कुछ करना है. एंड तब ये फीलिंग आती है कि कुछ करना है लाइफ में, कुछ करियर में कुछ करना है. सपोर्टिव इन द सेंस देयर इज नो सच. बट इन अ पर्सनल लाइफ इफ आई से देन दिस टू फ्रेंड्स विच आई कैन कंसिडर एज अ सपोर्टिव, बाकी तो देयर इज नो वन इन टच. ओके, सो फ्यूचर में क्या सोचा है आपने? यूट्यूब ही कंटिन्यू करेंगे और योर फ्यूचर या फिर जॉब और स्टडीज? आई बिलीव इन टैलेंट मोर rather than studying or something, because मुझसे पढ़ाई नहीं हो पाती है. मैं ऐसा हूँ, पता नहीं, बट बचपन से मतलब मुझसे पढ़ाई नहीं हो पाती. आई वॉज वेरी गुड इन सिंस अ चाइल्डहुड. ओके, मैं स्कूल में भी आई वॉज वेरी गुड इन आर्ट एंड क्राफ्ट, आई वॉज वेरी गुड इन डांसिंग एंड सॉर्ट ऑफ लाइक दैट. मैंने कभी डांस वेंस किया नहीं है, बट मैं बचपन में मतलब नर्सरी जूनियर सीनियर से मैंने लाइक लिटरली एवरी ईयर में डांस करता था. एंड I was very good in like painting, sketches and art and craft. कुछ भी स्कूल का कॉम्पिटिशन होता literally मैं पहले आता था कि ओह मैं करूँगा करके. So I am very good in art and craft and in the artistic side as compared to जो studies होते हैं ना, ये अगर आप मुझे बोलोगे ना IAS कर दे, GE कर दे, NEET कर दे, इसके एग्जाम्स दे दे, UPSC के एग्जाम, मुझे नहीं हो पाएगा. ऐसा नहीं कि नहीं हो पाएगा, मैं literally एक टाइम में पास भी हो जाऊँगा, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड. जब आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, मेरा मन नहीं उसमें, तो मैं क्यों करूँ? सो बचपन से मुझे स्टडीज में कोई इंटरेस्ट नहीं था, बट आई वॉज वेरी एवरेज स्टूडेंट. तो ऐसा नहीं कि मैं फेल हो जाता था, समथिंग मैं कर दूंगा, बट जब मनी नहीं है तो फिर क्यों करना? तो दैट्स वाई आई फील लाइक आई एम मोर इन टू माई टैलेंट. मुझे अपने टैलेंट के बेसिस पे ही आगे बढ़ना. तो आई फील लाइक अभी के लिए तो फिलहाल मैं कॉन्टेंट क्रिएशन कर रहा हूँ, तो दिस इज समथिंग विच आई एम शोकेसिंग माई टैलेंट. तो इसलिए मैंने ग्रेजुएशन भी कम्प्लीट नहीं किया, मैंने सिर्फ 12th किया. एंड 12th के बाद मैंने सोचा कि कुछ कोर्स करते, बिकॉज देर इज नो मीनिंग ऑफ डूइंग अ ग्रेजुएशन. मेरे हिसाब से आपको करनी चाहिए गाइस, प्लीज़ करो. मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, बट इस चीज़ के लिए इन्फ्लुएंस मत होना कि ग्रेजुएशन नहीं करनी चाहिए. करनी चाहिए अगर आपको करनी है तो, आपका मन है तो. बट मेरा कोई मन नहीं था, जैसे कि मैंने बोला. सो आई डिड 12th के बाद मैंने ड्रॉप आउट किया एंड आई डिड डिप्लोमा इन इवेंट मैनेजमेंट. एक साल का कोर्स किया एंड देन वहाँ पे मेरा मन नहीं लगा, तो
यार जो भी मैं अभी अर्न कर रहा हूँ तो वो मैं इससे ही कर रहा हूँ। मैंने रिंग लाइट ली, वो भी मैंने इस पैसे से ही ली, ट्राईपॉड लिया मैंने इस पैसे से ही लिया। तो धीरे धीरे मैं सब कुछ बिल्डअप कर रहा हूँ। सो लेट्स सी, अभी आई फील लाइक आपको अपना काम करते रहना चाहिए, आपका 100% दे देना चाहिए, बाकी तो जो है वो यहाँ पे भगवान जी हैं ऊपर। प्लान्स तो बहुत है बट आई डोंट फील लाइक शेयरिंग, बिकॉज जो भी मैं बोलता हूँ फिर वो हो नहीं पाता है। एज एंड हाउ टू बी लाइक यू, हाउ टू वर्क विथ यू, सो आई थिंक हाउ टू बी लाइक यू, सो इफ यू वॉन्ट टू बी लाइक मी देन आई थिंक या यू कैन बी लाइक मी, बिकॉज ये मैं प्राउडली बोल सकता हूँ, बिकॉज आई एम नॉट इन टू लाइक क्लबिंग्स और आई एम नॉट इन टू विथ फ्रेंडशिप्स मोर, और सो इन पर्सन आई एम वेरी काम, आई एम वेरी रिलैक्सिंग, आई ट्राई टू बी अलोन ताकि मुझे थॉट से ज़्यादा दिमाग में आए। सो बेसिकली आई एम नॉट इन टू स्मोकिंग लाइक दी हुक्का क्लबिंग एंड एवरी थिंग, पेशेंस लेवल बहुत है मेरे अंदर। सो दिस आर द स्किल्स यू कैन जस्ट टेक फ्रॉम मी, मैं ये प्राउडली बोल सकता हूँ बिकॉज आई नो माई सेल्फ कि मैं मेरी लिमिट कितनी है, मैं क्या हूँ, मैं कैसा हूँ, मैं बुरा हूँ, मैं अच्छा हूँ। मेरे स्कूल से एक भी आज तक स्कूल से ना मतलब लिटरली एक भी बार स्कूल में कभी शिकायत नहीं आई कि आपके बच्चे ने किसी को मारा है, आपके बच्चे ने आज ये कर दिया वो कर दिया, कभी भी नहीं आया, मतलब लिटरली नथिंग। एट वॉट एज यू हैव स्टार्टेड अर्निंग? सो अगर कंटिन्यूस अर्निंग की बात की जाए देन एट द एज ऑफ 20 एक्चुअली आई स्टार्टेड फ्रॉम द जनवरी, मुझे मतलब ऐसे ब्रांड्स मिलने लगे, मुझे यूट्यूब के पेमेंट्स मुझे रिसीव होने लगी, और बाकी तो बचपन से ही मैं अर्न करता था थोड़ा थोड़ा, जैसे कि मतलब बचपन में वेकेशंस में स्पेशली एंड कभी कभी मॉम को हेल्प करने में, लड़की लोग ज्वेलरीज पहनते हैं ना उसमें डायमंड्स होते हैं तो डायमंड्स लगाना, एंड देन फिर वो जो आप लड़की लोग लेते हैं ना क्या बोलते हैं उसको, कान की बाली एंड एवरीथिंग सॉर्ट ऑफ देन झुमका, तो ईयरिंग्स को ऐसे प्लग करके रखना, तो उसके कुछ 100 पीसेस के कुछ 5-10 रुपीज़ मिलते थे, तो ये सब कुछ हम लोग ने ट्राई किया हुआ है एंड उससे कुछ अर्निंग्स मिलती थी। तो आज ही मम्मी मम्मी हमें आधा अमाउंट देती थी कुछ, बिकॉज वी वर नॉट इन टू की हमको पूरा पैसा दो करके, हम लोग ऐसे नहीं थे। एंड देन आई ऑल्सो डिड एन इवेंट मैनेजमेंट, उसके अंदर कुछ अमाउंट मिलते थे, कुछ इवेंट्स के पे मिलते थे पर डे के कुछ 300-500, हम लोग और बॉक्सेस बनाते थे लिटरली, जो इमिटेशन ज्वेलरीज के बॉक्सेस आते हैं ना वो बनाते थे, तो उसके भी कुछ पैसे मिल जाते थे लाइक 5-10 रुपये, तो वो खुशी होती थी उस टाइम पे 5-10 रुपीज़ अर्न करने में। तो लिटिल लिटिल अर्निंग्स की है लाइक लिटरली से चाइल्डहुड से ही, बाकी तो कंटिन्यूस अर्निंग की बात की जाए तो एज आई सेड 20 एज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आप फैशन कब से कर रहे हो और मतलब आप इस फील्ड में कब से आए हो? सो आई स्टार्टेड इन द ईयर ऑफ 2020, एक्चुअली उससे उसके पहले ही मैंने मुझे फैशन में बहुत इंटरेस्ट था। जब मेरा यूट्यूब चैनल एक्चुअली नहीं था तब मैं इंस्टाग्राम पे ये सब चीज़ें करता था, मतलब मुझे स्टाइलिंग करना, फोटोशूट करना घर पे या इंडोर शूट करना, अलग अलग अतरंगी वेज में बैकड्रॉप लगाना एंड शो फोटोशूट करना, इस लॉट ऑफ थिंग्स लाइक लिटरली बहुत कुछ मैं करता था ये सब। आई स्टार्टेड माई यूट्यूब चैनल अप्रैल में एंड तो बेसिकली कॉन्टेंट क्रिएशन स्टार्ट किया था मैंने 2020 में, बट मैंने फैशन तो मैंने इंस्टाग्राम पे एंड एवरीथिंग बहुत किया था। तो यस, तो तभी क्रिंज वीडियोस ज्यादा होते थे मेरे, फैशन के थोड़े कम होते थे। तो या आपकी कितनी जीएफ है? सो ऑनेस्टली अभी कोई जीएफ वीएफ नहीं है, आई हैव नेवर बीन इन अ रिलेशनशिप, दिस इज ट्रू गाइस, दिस इज ट्रू, मुझे नहीं पता, बट आई एम जैसे कि मैंने बोला आई एम वेरी इंट्रोवर्ट, आई कैन नॉट गो सामने से जाके कि ओ आई लाइक यू और समथिंग लाइक दैट, दिस इज नॉट। हाँ, क्रशेस ऑब्वियसली बात है, सबको होता है, इन्फैचुएशन होता है, अट्रैक्शंस होते हैं, सब कुछ होता है। डिड यू फाइंड एनी टाइम दैट हुआ यू? एक्चुअली हाँ, एक्चुअली मैंने एस्ट्रोलॉजी में बहुत चेकआउट किया कि हुए माए मेरा पिछला जन्म क्या था एंड सॉर्ट ऑफ लाइक, बट ये सेंसलेस, इट्स नॉट लाइक सेंसलेस, जो आप कर रहे हो अभी क्या आपको वो लिटरली अच्छा लग रहा है या फिर नहीं लग रहा है, फिर छोड़ दो समथिंग लाइक दैट। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड योर सेल्फ, तो आई थिंक या कोशिश तो बहुत की है मैंने। तो दिस वॉज अ लास्ट क्वेश्चन एंड यस, यू आर वी कम टू एन एंड दिस वीडियो एंड या दैट्स इट। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन यू मेक श्योर सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन एंड फॉलो इन इंस्टाग्राम, लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन एंड हैंडल ओवर हियर एंड दैट्स इट। ऑल्सो यहाँ से फुटेज तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है, जब मैं लैपटॉप में एडिट करती तो मुझे पसंद नहीं आता यार, पता नहीं क्यों ऐसा ही होता है। आई विल बी मीटिंग माय नेक्स्ट वीडियो विद माय सेरिन, गुड बाय, टेक केयर ऑफ सेल्फ एंड बाय बाय। ठीक बात है, अच्छी है, देखते हैं अभी, पता नहीं मैं क्या पागल जैसे बोल रहा हूँ।